नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला छावनी के मुख्य बाजारों डीसी रोड, राम बाजार, हिल रोड, बजाजा बाजार और कबाड़ी बाजार में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण और नाजायज रूप से डिवाइडर के साथ लगती पार्किंग की समस्या को देखते हुए एक बार फिर से अम्बाला छावनी नगर परिषद और सदर पुलिस स्टेशन के SHO नरेश शर्मा के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान को चलाया गया। आपको बता दें कि बार बार समझाने के बाद भी दुकानदार अपना सामान दुकान से बाहर लगा रहे थे। इससे बाजार में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही कुछ लोग बाजार में डिवाइडर के साथ अपने वाहन को खड़ा करके इधर उधर चले जाते हैं, जिससे बाजारों में जाम की स्थिति के साथ कोई भी अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसी को देखते हुए नगर परिषद अम्बाला छावनी के गुलाब सिंह और सदर पुलिस स्टेशन अम्बाला छावनी के SI राकेश कुमार और अनिल कुमार की अगुवाई में पुलिस प्रशासन और निगम कर्मियों के साथ इस अभियान को चलाया गया। यह अभियान सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक चलाया गया। इसमें कुछ दुकानदारों को समझाया गया और बार बार न मानने पर उनके सामान को भी निगम प्रशासन की तरफ से जब्त किया गया। साथ ही बाजार में डिवाइडर के साथ खड़ी एक गाड़ी को भी टोचन करके थाना सदर लाया गया। अम्बाला छावनी से हमारे संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। सराफा बाजार में कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है प्रशासन। एक बार फिर से दिखा दें आपको, सदर पुलिस स्टेशन नरेश कुमार जी के आदेश के अनुसार जो है, साथ ही साथ जो है नगर परिषद अम्बाला के जो अधिकारी हैं इस बाजार में आज पहुंचे हुए हैं। अम्बाला छावनी के सराफा बाजार में जो है अभी ये अभियान को जो चलाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस समय अम्बाला छावनी के सराफा बाजार से, जहाँ पर भी जो है अतिक्रमण को हटाने के लिए जो है एक बार फिर से जो है प्रशासन यहाँ पर पहुँच चुका है। सर, सराफा बाजार में आज आप लोग पहुंचे हैं, किस तरह की कार्रवाई को आज किया जा रहा है, कुछ बताएं। जो नियमित ये हमारी कार्रवाई है नगर परिषद अम्बाला सदर के द्वारा एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से, जिन लोगों ने नाजायज ढंग से अतिक्रमण कर रखा है उसमें दुकानदार भाई भी हैं, वह अन्य भी हैं, कोई रेड़ी वाले हैं, कोई खड़ी वाले हैं, जिससे क्या है यातायात अवरुद्ध हो रहा है। इस यातायात की अवरुद्धि को देखते हुए इसको हमने यह नियमित कार्रवाई चलाई है ताकि आने जाने वाले लोग परेशान ना हो, कस्टमर परेशान ना हो। लेकिन जो जिन लोगों ने फिर भी बाहर रखा हुआ सामान वो उठा रहे हैं, बाकी मोस्टली लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि भाई कई लोग गाड़ी पार कर जाते हैं, वो भी स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से उठवाई जाती है, उसका चलान वगैरह जो भी कार्रवाई होती है उसके प्रति वो करवा रहे हैं। सर, कौन कौन से बाजारों में आज इस अभियान को चलाया जा रहा है? ये हमने राम बाजार, हिल रोड, ये अपना सदर बाजार, सराफा बाजार, अभी इसके पश्चात हम कबाड़ी बाजार में और उसके बाद हलवाई बाजार में है। कितने बजे आज इस कार्रवाई को शुरू किया गया था और कब तक ये कार्रवाई चलेगी? ये 10:30 बजे से की थी हमने स्टार्ट करते हुए 10:30 बजे, अभी हमारी यह कार्रवाई 12 बजे तक थी। लेकिन जो एरिया हमने करना होता है उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे समय हो जाए, लेकिन हम करते जी। सदर पुलिस के भी कुछ जो है साथ जवान यहाँ खड़े हो हमारे साथ में, राकेश कुमार जी से बात करते हैं। जी सर, किस तरह की आज यहाँ पर कार्रवाई को किया जा रहा है, थोड़ा बताएं इसको लेकर। सर, ये लोगों ने एक्टिवा, मोटरसाइकिलें, कारें खड़ी कर रखी है, बहुत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए प्रशासन थोड़ा सा हस्तक्षेप में आया है और रोड को क्लियर करवा रहा है। वार्निंग दी जा रही है, किसी प्रकार चलान की प्रक्रिया को भी किया जा रहा है। कितनी गाड़ी को चलान किए गए हैं? आज कितनी गाड़ी को चलान किए गए हैं? एक गाड़ी को भी मौके से यहाँ से उठाया गया है टोचन करके। जी धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।